वरसादी सीस्टम सक्रिय न होय त्यारे वरसादनी शक्यताओ पण नहीवत छे। सौराष्ट्र सहित गुजरातना मोटा भागना विस्तारोमां वरसादनी शक्यता नहीवत छे, जेमां डांग, वलसाड अने नवसारीमां पण हळवो वरसाद पड़ी शके छे। अमदावादमां वादळછાયું वातावरण रहेशे। वरसादनी आवी ज पेटर्न 2015 पण रही हती, त्यारे अलनीनोनी असर पण रही हती। आगामी समयमां तापमानमां कोई पण मोटो फेरफार रहेशे नहीं, जो कि 1 डिग्री तापमान वधी शके छे। उल्लेखनीय छे कि उत्तर गुजरातमां पाटण, मेहसाणा, बनासकांठा, साबरकांठामां घणो ओछो वरसाद રહ્યો છે। आने वाले हम अगले 7 दिनों की गुजरात के मौसम की बात करें तो मुख्य तौर पे सौराष्ट्र और कच्छ तथा नॉर्थ गुजरात में अगले 7 दिनों में बारिश अपने न्यूनतम स्तर पर रहेगी और मोस्टली जो है ये तीनों एरिया ड्राई रहने की संभावना है और कुछ हल्की फुल्की बारिश जो है साउथ गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में देखी जा सकती है, जिसमें मुख्य तौर पे डांग, नवसारी, वलसाड, तापी, दमन, डीएनएच शामिल है, जिसमें लाइट रेन जो है अगले 7 दिनों में कुछ जगहों पे होने की संभावना है। इनके अलावा नॉर्थ गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ जो है मुख्य तौर पर अगले 7 दिन ड्राई रहने की संभावना है। अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में अगले 7 दिनों तक मोस्टली जो है पार्टली क्लाउडी वेदर रहने की संभावना है, रेनफॉल की चांसेस बहुत कम है। सो अगर हम अगस्त महीने की बात करें तो अगस्त महीना जो है इस सीजन का सबसे न्यूनतम स्तर पे जो है बरसात के मामले में रहा है। इसका जिसके मुख्य कारण रहा है सेकेंड फेज़ में जो है अलनीनो का एक्टिव हो जाना, जिसकी वजह से जो है वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया जिसमें गुजरात भी शामिल है उसमें काफ़ी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। साथ ही साथ जो हमारा मानसून ट्रफ है वो भी फुटहिल्स में शिफ्टेड है काफ़ी ऊपर, वो भी साथ ही साथ एक रीज़न रहा है कि हमें काफ़ी कम बारिश मिली, साथ ही सिस्टम्स ने भी सपोर्ट नहीं किया और मुख्य तौर पे अलनीनो ही एक कारण रहा है, क्योंकि 2015 भी जो है अलनीनो ईयर था और 2015 में भी जो है अगस्त में सेम ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि सिमिलर पैटर्न मिला था, जिस उस समय भी जो है बारिश लगभग 90% पूरे गुजरात राज्य में कम हुई थी। सूरत शहर में रहता 33 वर्षीय नीरव ओझाए बीटेक इंजीनियरिंग नो अभ्यास कर्यो छे। तेमने श्री गणेश जी नी प्रतिमा बनावा